मेरी बिल्डिंग है और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर पे आ रहे हैं आप लोग, और 6 मार्च को आप में से किसी एक का ये घर हो जाएगा। चले चले। कम कम गर्ल्स, छोटा सा घर, यहाँ से यू कैन सी वर्ली सीलिंग दे सकते हैं आप, यहाँ से समुद्र दिखाई देता है पूरा। और कुछ होने से पहले आप सबके लिए वेलकम घर में, फ्लावर बुके आपके लिए, हरप्रीत जी आपके लिए, मिथुन जी आपके लिए वेलकम। ये गेस्ट रूम एक्चुअली मैंने ये खाली इसलिए रखी है कि दुल्हन जो आएगी वो तय करेगी यहाँ वार्डरोब हो या गेस्ट रूम की फैमिली के लिए बेड हो या सोफा कम्बेड हो, टीवी रूम हो, कंप्यूटर रूम हो, जो भी हो वो डिसाइड करेंगे, ये रूम के लिए खास है। हाँ, तो ये सिर्फ कपल के लिए है, बाकी कोई किसी का जरूरत नहीं है। सो दिस इज जस्ट लाइक कपल्स पैड, यू नो, इट्स अ बैचलर पैड, अभी कपल्स पैड हो गया। यहाँ से सनराइज होता है, उस तरफ सनसेट होता है, तो सुबह सनराइज देखिए ना, सनसेट देखिए, मैं कहते ब्यूटीफुल व्यू है। और सामने छोटा डाइनिंग एरिया है, ऐसे लग रहा था कि यू नो कि ये मेरा ही घर है और दिल कर रहा था कि यू नो यहीं पे रह जाए। एंड यू नो आई रियली वांटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू फास्ट फॉरवर्ड लाइफ एंड सी व्हाट्स इन फ्यूचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट घर का बेडरूम, छोटा सा है मगर इसके लो सीटिंग बेड बना है। आइए निकुंज, यहाँ टीवी है, वहां से आप समुद्र देख सकते हैं, अरेबियन ओशन, तो आप बेड पे बैठ के आप सब कुछ कर सकते हो। समुद्र देखिए, ये देखिए, कई बार मैं बेड पे ब्रेकफास्ट भी खाता हूँ, टेबल एंड ट्रे जो बेड पे खुल जाता है, नाइस मैट्रेस। ये 4 इंच ही है निकुंज, तुमको मैट्रेस का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, देख लो बैठ के एक बार, ये 16 इंच मैट्रेस लगाइए। बाथरूम देखिए, यहाँ बाथरूम है, ये बाथरूम है, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, स्टीम है, यू कैन लिसन टू एफएम रेडियो। एक एक चीज उन्होंने अपने घर की हमें इतने सिंपल वे से बता दी कि जब घर आए शादी के बाद तो हमें मालूम हो कि बेडरूम कहाँ है, डाइनिंग एरिया कहाँ है और कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। दो बेडरूम यहाँ, दो बेडरूम वहाँ है, वहाँ गेस्ट रूम और एक लॉन्ड्री रूम, और किचन सारा वहाँ है, तो स्टाफ वहीं रहता है, तो यहाँ कोई आने की संबंध नहीं, तो इट्स लाइक मोर लाइक कपल्स पैड। कपल्स पैड, वेरी गुड। कैसे लग रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, बहुत प्यारा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा घर है, अब आपको एक अच्छी बीवी की जरूरत है, तो जल्दी से 6 मार्च को आप एक अच्छी बीवी ले आइए अपने लिए। बीवी ले आओ, कहाँ से ले आओ, आप तीनों में से एक को चुनना पड़ेगा। हाँ वही। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है, फील बहुत वार्म वार्म है, इनफैक्ट एक वार्मथ लगती है जब इस घर में आओ, सो इट्स वेरी क्यूट, जस्ट लाइक यू। एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन द हाउस, नहीं आपको कुछ चीज बदलने की इच्छा हो रही है, कुछ चीज, कोई पर्दे, कोई रंग, कुछ कुछ भी, कलर्स, कॉम्बिनेशन, मुझे कुछ ऐड करना है इस घर में। हाँ जी, मेरे सामान। अच्छा वैसे आपको 6 मार्च को देखेंगे, इसके बाद राहुल को फेक और असली लोगों में शायद फर्क अभी तक समझ नहीं आता है, सो जस्ट इन केस आई गेट मैरिड टू राहुल, आई एम गोइंग टू टैकल दैट। ऐसे भी लगता है, जैसे तुमने अभी बताया कि तुमने अभी कर्टन्स भी चेंज किए, सब कुछ ऐड किया है, तो सारा ध्यान में रखते मुझे लगता है ऐड किया है, सो आई मीन आई एम लाइकिंग इट।
मुझे बस इतना ही लगा कि आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन दिस हाउस बट फॉर श्योर आई वांट टू ऐड माय टच टू दिस हाउस. उनका घर इतना सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है कि उसमें कुछ खामी लगी ही नहीं कि कोई ऐसी चीज जिसको मैं बदलना चाहूँ. एंड बस उम्मीद करती हूँ, इनफैक्ट दुआ करती हूँ कि 6 मार्च के बाद मुझे मौका मिले कि मैं अपनी सारी जिंदगी राहुल के साथ इस घर में बिता सकूं. तो कैसा लगा आपको आज पूरा दिन? निकुंज, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी से मिलके, और दादी बहुत क्यूट है, और आई थिंक आई डोंट नो, आई रियली लव योर मॉम एंड मोर देन यू. यू लव माय मॉम एंड दादी मोर देन मी? यस. आज राहुल जो है वो अपनी माँ की वजह से है, उनका वजूद अपनी माँ की वजह से है. तो जाहिर सी बात है कि राहुल से ज्यादा उनकी माँ स्पेशल हुई, और ये तो एक अच्छी बात है कि मैं किसी इंसान से कह रही हूँ कि मुझे उनकी माँ के लिए बहुत इज्जत है मन में और उनसे मुझे बहुत प्यार है. आपको कैसा लगा डिंपी जी? बहुत मुझे अच्छा लगा. आंटी और दादी तो बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत स्वीट है. समय मैंने आंटी को भी कहा कि आंटी जिस तरीके से सोचता है, माय डैड आल्सो थिंक्स लाइक दैट. आई वेरी मच फेल्ट लाइक आई एम एट होम. आई से बात कर कैसा लगा? जैसे मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरी मॉम भी जहाँ पे मतलब स्ट्रिक्ट होती है या सेंसिबल बातें करती है, अच्छे से बात करती है, समझाती है चीजें. तो ऐसा लगा शादी के बाद मैं आई से भी कर पाऊंगी बातें शेयर. आम नर्वस थे हमें यहाँ ले आने से पहले, मतलब अपनी माँ के और दादी? मैं बहुत, मेरे लिए सबसे नर्वसनेस तभी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि अब तक आपके परिवार का एक अप्रूवल मिल चुका था, मगर जैसे आपके घर में आप लोग नर्वस हर जगह कहीं ना कहीं हुए, आप लोग तीनों ही घर तो दोनों जगह बैलेंस करना था, और यहाँ तो तीन थी और मैं वहाँ एक था, तो मुझे तीनों को बैलेंस एक दूसरे के साथ करके, प्लस दादी और मम्मी को बैलेंस करना, मतलब पांच पांच औरतों को एक साथ संभालना, उसमें सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट के लिए. मुझे इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, और सभी महिलाएं थी जिनको हैंडल करना था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हो चुकी है मेरे को. मगर अच्छा लगा, बहुत नर्वस था, जब मिलने का मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया. तो अब जब घर पे आ रहे थे हम लोग, तो मैं काफी हैप्पी था, आई वाज वेरी हैप्पी, हैप्पी सिंह की तरह. सो आई एम हैप्पी. निकुंज, आप बताइए, क्या आप अपने आप को इस घर में एक बहू के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे देख पाती है? घर तो आपका है, जहाँ आप वहाँ मैं, तो अगर आप मुझे देख पाते हैं इस घर का हिस्सा, अपने परिवार का हिस्सा, तो बिल्कुल मैं देख सकती हूँ अपने आप को आपके परिवार का हिस्सा बनते हुए. सो स्वीट. लिंबी जी, आपको क्या लगता है? हरप्रीत, आप? हाँ, इस घर को डेफिनेटली 6 मार्च के बाद मैं चाहूंगी अपना बनाना, बाकी ऑब्वियसली सब आप करें. मेरे ख्याल से ये मौका है, और शादी से पहले के क्वेश्चन आपके दिल में हो तो आप पूछ लीजिए, बाद में 7 मार्च में पूछिएगा कि मुझे ये लगता था.